दोस्तों इस वीडियो में हम विकीपीडिया से बैकलिंक बनाना सीखेंगे क्योंकि विकीपीडिया पे आपको पता है ही रोज़ का कई मिलियन का ट्रैफिक है यहाँ से हमें भले ही नो फॉलो का बैकलिंक मिलता है लेकिन वो बहुत पावरफुल होता है तो बैकलिंक बनाने के लिए हम अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे और आप अपने साइट पर जिस भी विषय पर पोस्ट लिख रखे हैं उस विषय पर विकीपीडिया के पेज को ओपन करना है तो मैंने एक पोस्ट लिखा था गूगल एडसेंस के ऊपर कि बिना पिन के अपना एडसेंस एड्रेस वेरिफिकेशन कैसे करें तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे ब्राउज़र में एडसेंस एडसेंस टाइप करने के बाद फिर स्पेस दे के लिखेंगे विकीपीडिया और विकीपीडिया लिखने के बाद इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है विकीपीडिया का ये हिंदी में है एडसेंस विकिपीडिया तो इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे और ओपन होने के बाद ये विकीपीडिया का पेज ओपन हो गया है यहाँ पे एडसेंस के बारे में सभी बातें बताया गया है तो इसमें हमें नीचे की तरफ आना है सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग आउट तो यहाँ पे लिखा रहेगा जब आप आएंगे तो यहाँ क्रिएट अकाउंट लिखा रहेगा तो इसके ऊपर क्लिक करके और आप कुछ अपनी जानकारियाँ दे के एक अकाउंट बना लेंगे तभी आप यहाँ पर बैंक लिंक बना पाएंगे अकाउंट बनाने के बाद फिर उसमें आप इसमें लॉग इन करेंगे लॉग इन करने के बाद फिर जैसे मैंने बताया आपको एडसेंस लिखना है फिर स्पेस देके के विकीपीडिया लिखना है अगर आप किसी और विषय पे पोस्ट लिख रखे हैं तो वो लिखेंगे तो इस तरीके का पेज ओपन होगा फिर इसमें नीचे आने के बाद आपको बाहरी करिया ढूंढना है अगर ये इंग्लिश में ओपन रहेगा तो फिर एक्सटर्नल लिंक करके ये रहा बाहरी करिया यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है बाहरी करिया अब इसके सामने यहाँ संपादित के ऊपर क्लिक करना है जब आप यहाँ पे अकाउंट बना के लॉग कर लेंगे तभी ये संपादित करने का ऑप्शन मिलेगा तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पे संपादित करने के लिए आ जाएगा ये यह यहाँ पे करसल आप देख सकते हैं करसल चल रहा है तो ये जो पहले से गूगल एडसेंस लिखा है इसके सामने हमें क्लिक करना है क्लिक करने के बाद एक बार एंटर मारना है और फिर आप जिस भी विषय पे अपना पोस्ट लिखे हैं उसका यहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे तो मैंने जो पोस्ट लिखा था इसका मैंने यू और कीवर्ड रख रखा हूँ ये रहा एडसेंस एडसेंस एड्रेस वेरीफिकेशन इसको कापी कर लेंगे और काँपी करने के बाद वापस यहीं पर पेस्ट कर देंगे एडसेंस एड्रेस वेरिफिकेशन अब इसी के ऊपर हमें लिंक को डालना है तो हम वापस चलेंगे और जो हमारा पोस्ट का लिंक ये रहा इस लिंक को कॉपी कर लेंगे कॉपी करने के बाद इसको, इसके ऊपर लिंक डालने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिंक का एक ऑप्शन दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही एक बॉक्स आएगा ये बॉक्स आ गया अब यहाँ पे जो है हमारा हमने जो अपना टेक्स्ट लिखा है ये आ गया सिलेक्ट हो गया लेकिन इसी के ऊपर हमें पेस्ट कर देना है लिंक को ये मैंने पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद यहाँ पूर्ण हुआ इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो ये इस तरीके से आ जाएगा अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर प्रकाशित करें इसके ऊपर क्लिक करके और प्रकाशित कर देना है जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे वैसे ये इस तरीके से एक पॉपअप आएगा अब यहाँ पे दो ऑप्शन है यह एक छोटा बदलाव है और दूसरा है इस पृष्ठ को ध्यान सूची में डालें तो हमें पहला वाला पे टिक मार्क कर देना है यह एक छोटा बदलाव है और फिर यहाँ प्रकाशित करें के ऊपर क्लिक कर देना है तो ये हमारा लिंक यहाँ पे प्रकाशित हो गया ये देखिए ये प्रकाशित हो गया एडसेंस एड्रेस वेरिफिकेशन ये लिंक बन गया जब इसके ऊपर कोई भी क्लिक करेगा तो हमारा ब्लॉग का वाला पेज ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा अब हम वापस आते हैं अगर हम इस इसके यू को यहाँ से कापी करके और इनके निंडो विंडो में ओपन करते हैं यहाँ पर पे, पेस्ट करते हैं और फिर ओपन करते हैं तो ये बैक लिंक हमारा ये देखिए ये बैक लिंक है हमारा एडसेंस एड्रेस वेरिफिकेशन तो ये ऐसा करके आप विकीपीडिया पे एक हाई अथॉरिटी साइट पे और पावरफुल बैक लिंक बना सकते हैं लेकिन ध्यान रखें आप जो भी यहाँ पे बैक लिंक बनाएं जो आप पोस्ट लिखे हैं उसी आधार पे यहाँ पे कीवर्ड डालें ऐसा नहीं कि आप दूसरा दूसरा कीवर्ड डाल दीजिए क्योंकि इस साइट के जो मॉडरेटर है वो इसको चेक करेगा अब ये इस लिंक पे क्लिक करके जाके मेरा पोस्ट को देखेगा कि मैंने पोस्ट किस तरीके से लिख रखा है अगर उसको हमारा पोस्ट मतलब यूनिक लगेगा तभी वो लिंक यहाँ परमानेंट रहेगा नहीं तो वो रिमूव कर देगा या फिर एसपीएम एस लिस्ट में डाल देगा तो आप आपने अपने साइट पे जो भी यूनिक पोस्ट लिख रखा है अच्छा पोस्ट लिखा है उसी का बैक लिंक आप यहाँ पे बनाइए अदरवाइज़ ये दो चार दिन बाद यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा दोस्तों अगर आप हिंदी में ब्लॉगिंग करने की सोच रहे हैं या फिर आप स्टार्ट कर चुके हैं तो हमारे ब्लॉग ब्लॉग एशियो हेल्प -co डॉट कॉम पर जरूर विजिट करें यहाँ पे हिंदी ब्लॉगिंग से संबंधित बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की जानकारियाँ दी जा रही है और बिल्कुल सरल भाषा में यहाँ पे जानकारियाँ बताई जा रही है तो आप इस साइट पे विजिट कर सकते हैं इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम